My name is Nahid Chaudhry, and today I'm going to prepare an attendance tracker. So हम लोग आज देखेंगे कैसे attendance tracker बनाया जाता है Excel sheet के use करते हुए. So सबसे पहले हमें एक roster की ज़रूरत है, जो मैंने यहाँ पे एक default बना कर रखा है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, employee ID है, name है, supervisors है, managers है, service LOB है, और ये आपका LOB है. तो ये कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में ओनली अवेलेबल रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपका डिफरेंट रहता है, तो उस हिसाब से आप ले रख सकते हैं. तो अगर आप चाहो तो इसको एलओबी बना दो, और इसको आप लोकेशन भी बना सकते हो. करेक्ट, ऑलराइट. सो यहाँ पे हम लोगों का डेट है, और यहाँ पे भी डेट है, पूरा डेट है, और यहाँ पे रोस्टर है, वीक ऑफ है, लीव है, आप लोग देख सकते हैं. तो रोस्टर में हम लोगों को कुछ नहीं करना, नॉर्मल रोस्टर जैसा है वैसे आपको रखना है. और फिर हम लोग चले जाएंगे रो डंप में. रो डंप में जाके आपको यहाँ पे आपको रो डंप पेस्ट करना है, जैसे कि आपका ये लॉगिन आईडी हो गया, ये आपका एम्प्लॉय नेम हो गया. तो रो डंप में बहुत कुछ रहता है, तो मैंने सिर्फ दो चीज़ लिया है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग रो डंप आता है. तो उस हिसाब से आप इधर एम्प्लॉय रखेंगे, इधर में आप अपना एम्प्लॉय का नाम रखेंगे. एम्प्लॉय का नाम ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ लॉगिन आईडी रहने से भी चलता है. तो रोडम्प आ गया, रो डम्प आ गया, रोस्टर भी आ गया, और अभी हम लोगों को अटेंडेंस ट्रैकर कैसे बनाना है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाएंगे, डेट देंगे, जिस दिन का रिपोर्ट बनेगा उस दिन का रिपोर्ट का डेट देंगे, और यहाँ पे हम लोगों के पास एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए. एम्प्लॉय आईडी कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? ये एम्प्लॉय आईडी हम लोगों को रोस्टर से मिलेगा. तो यहाँ से एम्प्लॉय आईडी ले लिया, नेम ले लिया, सुपरवाइज़र, मैनेजर्स, सर्विस एलओबी, और ये आपका लोकेशन हम लोगों को मिल गया. अभी हम लोग क्या करेंगे, डेट देंगे, जिस डेट का हम लोग रिपोर्ट बना रहे हैं उस डेट देंगे. तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 तारीख लिखा है, इसको मतलब हम लोग 5 तारीख का रिपोर्ट बनाएंगे, तो इसको हम लोग 5 कर देंगे. आप अगर इसको ऑटोमेटिक रखना चाहते तो उसका भी मतलब समाधान है. आप इधर इक्वल टू करके इसमें जाके एंटर कर दीजिए, तो आप जैसे ही इसको चेंज करेंगे वैसे आपको ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाए. मान लीजिए अभी हम इसको 6 करते हैं, तो ये 6 हो गया, तो हम लोग इसको 5 ही रखेंगे. ये जो रोस्टर है ये, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सारा चीज़ यहाँ से लेके आपका इधर में जितना कॉलम है सारा आपका ऑटोमेटेड है, यानी फॉर्मूला लगा हुआ है. ये जो डेट आप रखेंगे इस डेट के हिसाब से यहाँ पे रोस्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा, बस आपको डेट को चेंज करना है. लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो डेट होगा इस डेट के हिसाब से आपको यहाँ पर भी डेट आपको मेनटेन करना है. जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा है 5, 6, 7 सब करके, करेक्ट, ओके. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या फॉर्मूला डाला है, हम लोगों ने डाला यहाँ पे आपको देख सकते हैं, एक सेकेंड, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है वीलुकअप. वीलुकअप में क्या है, वीलुकअप, उसके बाद A3, A3 में क्या है, एम्प्लॉय आईडी है. उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रोस्टर में गया, रोस्टर में जाके हम लोगों ने वही एम्प्लॉय आईडी जहाँ पे है A2 में होगा, एम्प्लॉय आईडी A2 में एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है. और फिर हम उधर गए A2 से लेके हम लोगों ने A2 से M300 तक हम लोगों ने ले लिया है. M300 में क्या है, यानी ये पूरा रोस्टर हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है, ताकि रेफरेंस ले लिया, जब डेट चेंज करें उस हिसाब से आता रहे. फिर क्या किया हम लोगों ने, मैच किया. मैच किसके साथ किया, मैच हम लोगों ने अटेंडेंस के साथ किया. अटेंडेंस बोले तो अटेंडेंस वाइज अटेंडेंस, ये जो नाम आ रहा है अटेंडेंस वाइज अटेंडेंस, सॉरी एजेंट वाइज अटेंडेंस, ये जो डेट है इस डेट के साथ मैच करेगा, इसीलिए हम लोगों ने इधर में डेट रखा है. मैच करके क्या करेगा, ये डेट किससे मैच कर रहा है, रोस्टर का डेट से. ये जो रोस्टर है, रोस्टर का जो A2 से लेके M2 का जो डेट है, ये देखिए, ये जो A2 से लेके M2 में जितना डेट है उस डेट को वो मैच कर रहा है. तो मैच करने से हम लोगों के पास रोस्टर ऑटोमेटिक हर दिन आ जाएगा, बस हमको डेट चेंज करना है. यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मली डंप जो है, डंप से एक वीलुकअप लगाया. किसके साथ लगाया हम लोगों ने वीलुकअप, वीलुकअप हम लोगों ने लगाया है ई एम्प्लॉय आईडी के साथ, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय आईडी और लॉगिन आईडी दोनों से ही होना चाहिए, ठीक है. तो ये डंप है, डंप के साथ हम लोगों ने वीलुकअप लगाया. लगाने के बाद हम लोगों को ये नंबर मिल गया. ये हम लोग क्यों चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को देखना है ये बंदा उधर प्रेजेंट
अगर डंप में बंदा है इसका मतलब बंदा आया है, नहीं है तो नहीं आया। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है इसका मतलब वो एबसेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिस्पेक्टिवली वही चीज़ किया, पूरा में वीलुकअप लगाया। ये क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने ईफ का फॉर्मूला लगाया। इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है जी थ्री मतलब ये जी, अगर जी थ्री वीक ऑफ है तो ब्लैंक रहना है, अगर फिर बता रहा है जी थ्री लीव रहना है तो एक होना है, अगर जी थ्री ब्लैंक होगा तो ब्लैंक रहना है या फिर एक होना है। मतलब अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक, अगर लीव है तो वन, अगर वीक ऑफ है तो ब्लैंक, और अगर स्केड्यूल है तो स्केड्यूल, मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो वन ही रहना है। ठीक है, फिर हम लोगों ने उसको वन से इंटू किया ताकि उसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट कर सके, टेक्स्ट से नंबर में। यहाँ पे आप प्रेजेंट में जाएंगे, सेम हम लोग जी थ्री के साथ ही हम लोगों ने इफ लगाया सेम वैसे ही। अगर आप लोग कुछ समझने में दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट्स लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रेजेंट में भी सेम, एब्सेंट में भी सेम किया है, लीव में भी वैसे ही है। लीव में क्या है, हम लोगों ने जी थ्री में बस लगाया लीव इक्वल टू वन, अगर ये लीव है तो वन बोलना है नहीं तो जीरो बोलना है। वीक ऑफ में क्या किया, सेम वैसे ही किया, अगर वीक ऑफ जी थ्री अगर वीक ऑफ है तो वन नहीं तो जीरो बोलना है। ये होने के बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे गए यानी इस इधर में जाके हम लोगों ने पिवोट टेबल बनाया। पिवोट टेबल कैसे बनाया जाता है, यहाँ से आप इसको पूरा सिलेक्ट करोगे और फिर आप डेटा में जाओगे, एक सेकेंड आपको शॉर्टकट भी बता सकता हूँ। अगर शॉर्टकट आप करेंगे ऑल डी ई पी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नॉर्मली डेटा में आपका रहता है, गई जो गेट डेटा कर सकते हैं, या फिर आप इसमें जाके इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट डी पी, ऑल्ट डी पी करेंगे फिर आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके फिनिश करने से आपको ये वाला पिवट टेबल आपको मिल जाएगा। इसमें क्या क्या हमने दो पिवट टेबल लगाए, ये एक पिवट टेबल लगाया और ये एक पिवट टेबल, क्यों, क्योंकि ये जो हम लोगों ने रखा है इसको हम लोगों ने लोकेशन का नाम दिया था, करेक्ट, लोकेशन, और ये भी लोकेशन होगा क्योंकि हम लोगों ने रिसेंटली नाम चेंज किया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक करोगे, शो फील्ड लिस्ट जाएंगे तो आप देखिए इसमें हम लोगों ने लोकेशन लिया, सर्विस एलो भी लिया, राइट साइड में हम लोगों ने क्या लिया, स्केड्यूल काउंट लिया और प्रेजेंट काउंट, एब्सेंट काउंट, लीव काउंट, ये तीन चीज़ लिया। मतलब हम लोगों से बस नंबर चाहिए कि कितना है स्केड्यूल था, कितना प्रेजेंट काउंट है, कितना एब्सेंट काउंट है, कितना लीव था। और इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, हम लोगों ने इसमें सेम चीज़ बता रहे हैं, बस इसमें हम लोग परसेंटेज में बता रहे हैं। परसेंटेज में क्या बता रहे हैं कि ये जो सर्विस है लॉबी ए बी सी है, इसका स्केड्यूल काउंट 8 था तो एब्सेंट कितना परसेंट था, लीव कितना परसेंट था, श्रिंकेज कितना परसेंट था। तो इसका जो परसेंटेज कैसे आ रहा है, इसका कैलकुलेशन आपको इधर में दिख जाएगा। आप फील्ड आइटम साइड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है, लिस्ट ऑफ फार्मूला। मैंने क्या फार्मूला लगाया, एब्सेंट का दिया मैंने, एब्सेंट काउंट डिवाइडेड बाई स्केड्यूल काउंट, लीव, लीव डिवाइडेड बाई स्केड्यूल, ओवर श्रिंकेज क्या है, एब्सेंट प्लस लीव प्लस डिवाइडेड बाई एबसेंट प्लस लीव डिवाइडेड बाई स्केड्यूल काउंट। ये फॉर्मूला हम लोगों ने उधर लगाया है जिसके कारण ये आया। तो आप किसको कैसे लगा सकते हैं, एनालिसिस में जाएंगे, फील्ड आइटम में जाएंगे, कैलकुलेट फील्ड में जाएंगे, आप इधर में जाके आप कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो हमको एबसेंट चाहिए तो एबसेंट परसेंटेज चाहिए, और यहाँ पे जाके आपको जीरो को हटा देना है और इधर नीचे में जाना है, एबसेंट काउंट को आप इंसर्ट करना है, फिर डिवाइडेड का लेना है और स्केड्यूल काउंट को आप इंसर्ट करके आप जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, एक्चुअली मैंने एब्सेंट परसेंटेज रखा हुआ इसलिए मॉडिफाई का ऑप्शन दे रहा है, नहीं तो आपका ओके का अप्लाई का ऑप्शन आएगा तो आप कर लेंगे, बस वही है, नॉर्मल है। ये जो चार्ट हम मतलब ये जो हम लोगों ने ग्राफ इधर दिया है इसको हम कहाँ से मिला, हमने क्या किया, ये जो लोकेशन है ये तो हमारे पास यही है, स्केड्यूल काउंट है, प्रेजेंट काउंट है, तो ये जो लोकेशन है इसको साथ हम लोगों ने वीलुकअप लगाया, क्योंकि लोकेशन का तो नाम कभी चेंज होगा नहीं, सेम चीज़ रहेगा। तो ये वीलुकअप हम लोगों ने इधर से लगाया, देखो आप ये है एस फोर से लेके, हमने रेफरेंस क्या लिया एस फोर ये वाला, और हम उठाया कहाँ से, ए से डी, ये जो ए है इस ए से लेके
डी के अंदर में जो स्केड्यूल काउंट है उसको हम लोगों ने उठाया, वैसे ही इसका भी उठाया। फिर हम लोग आके इधर में गया, ये जब आ गया ऐसे करके इंसर्ट में गए, फिर आप रिकमेंड चार्ट भी ले सकते हो, लेकिन आप इसको बना सकते हो, फिर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में इसका भी मैं डिटेल सबको बताऊंगा कैसे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, तो उसमें आप लोग समझ जाएंगे। करेक्ट। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, और बहुत ही जल्दी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे मैक्रो के माध्यम से मेल सेंड किया जाता है। आपको कोई मेल ओपन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं करना है, बस एक्सेल शीट को ऑन करना है, ओपन करना है और अपना डेटा अपडेट करना है, और आप सिर्फ मेल में क्लिक करेंगे आपका रिपोर्ट जो है ऑटोमेटिक आपका मेल पे सेंड हो जाए। आपको कोई मेल आईडी, कोई 2CC कुछ नहीं डालना है, वो ऑटोमेटेड है। कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और अगर कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अपना सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।